हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और सेफ होंगे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कन्वेक्शन का फोर्थ क्लास। अभी होपफुली दिस विल बी द सेकंड लास्ट क्लास, ओके। एंड जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब कीजिए भाई, कितना सा टाइम लगता है उसमें करने में। और डेफिनेटली अभी तो क्या है, मुझ पर भी टाइम थोड़ा कम है, शॉर्टेज है टाइम का, लेकिन हाँ गेट एग्जाम तक मैं आपको अच्छे खासे सब्जेक्ट्स, अच्छे खासे टॉपिक्स में आपको देके जाऊंगा। आई विल ऑलवेज ट्राई टू पिक द टफ टॉपिक्स, जो आप लोगों को डिफिकल्ट लगता है, जो आम जनता को डिफिकल्ट लगता है, वो टॉपिक्स हम लोग लेंगे और उन लोगों को कवर करेंगे। जैसे HMT में मोस्टली सबको कन्वेक्शन टफ लगता है थोड़ा, तो मैंने वो उठाया। इसके बाद नेक्स्ट मेरा प्लान है कि IC इंजन में कंबशन लूं, जो बहुत लोगों को टफ लगता है, ठीक है। कंबशन इन SI इंजन, कंबशन इन CI इंजन, लाइक दीज थिंग्स, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, डेफिनेटली आपको फायदा ही होगा, ठीक है, फायदे में ही रहोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो हमने पास्ट मतलब प्रीवियस क्लासेस में हमने जो देखा था, उसका मैंने यहाँ पे कुछ समरी लिखी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मैं जैसे याद करने की बात होती है तो मैं आपको बोलता था कुछ चीजें आपको याद करनी है बस। तो मैंने वो अभी तक जो चार क्लास, जो तीन क्लास वाली हुई हमारी, उनका मैंने वो फॉर्मूले लिखे हैं जो आपको रिमेम्बर रखने हैं, ठीक है। ज्यादा नहीं है, देखो लाइक सिक्स हैं, छह फॉर्मूले हैं, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा आपको छह फॉर्मूले याद होगा सब कुछ हो जाएगा। जो हमने बेसिक पढ़ा है उसकी तो बात ही अलग है, ठीक है, उतना उसका तो भाई फील ही अलग होगा। लेकिन हाँ, ये वो फॉर्मूले हैं जिनमें आपको बहुत बार आपको हो सकता है कि सीधे सीधे क्वेश्चन इन फॉर्मूलों पर मिल जाए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको रेनॉल्ड नंबर याद होना चाहिए, BD रोड डिवाइड बाय म्यू। और अगर हम बोले कि हमें लोकल रेनॉल्ड नंबर निकालना है, लाइक फॉर द प्लेट एट अ डिस्टेंस x, तो हम निकालेंगे V इन्फिनिटी x रो डिवाइड बाय म्यू, बताया हुआ आपको। सिमिलरली नसल नंबर हम निकालेंगे तो क्या होगा, HD बाई K। और अगर हमें लोकल नसल नंबर निकालना तो क्या करेंगे, HX इंटू x डिवाइड बाई K, ठीक है। प्रांड नंबर लोकल और एवरेज सब सेम होता है, तो हमारा क्या होगा, न्यू बाई अल्फा और म्यू सी टी बाई ए। फोर्थ थिंग हमारा कि लोकल कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, ठीक है, वो हम निकाल देते ये वाले फॉर्मूले से। अगर आपको ये बड़ा लग रहा है फॉर्मूला, ठीक है, याद नहीं हो पा रहा, तो आपको बेसिक से जाना है, कंडक्शन शुड बी इक्वल टू कन्वेक्शन, ठीक है, ओके। देन फिफ्थ हमारा है प्रांड, एक्चुअली हमें HBL और TBL में रिलेशन चाहिए था, तो डेल्टा टी इज द थिकनेस ऑफ TBL, डेल्टा इज द थिकनेस ऑफ HBL। इनमें रिलेशन के लिए हमने निकाला तो ये वाला रिलेशन हमारा था, एक्चुअली इसको प्रूव नहीं किया था हम लोगों ने, ठीक है, याद ही करना है। डेल्टा टी अपॉन डेल्टा इक्वल्स टू 1/1.026 इनटू प्रांड्ल नंबर टू द पावर -1/3। सिक्स हमारा आता है, इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट द लोकल नसल नंबर, तो हमारा ये रिलेशनशिप मिल गया, लोकल नसल नंबर HX इंटू X डिवाइड बाई के इक्वल्स टू 0.332 इंटू रेनॉल्ड नंबर टू द पावर 1/2 इंटू प्रांड्ल टू द पावर 1/3। देखिए यहां पे क्या है कि आपको लोकल नसल नंबर निकालने का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, योर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट द लोकल कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, दैट इज HX। तो हमें यहां से HX मिल जाएगा, प्रोवाइडेड इफ यू हैव रेनॉल्ड नंबर और प्रांड्ल नंबर, ठीक है, ये चीज आपके पास होंगी तो आपको लोकल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट आराम से मिल सकता है। तो अभी तक जो हमारा पास्ट में था ये चीजें बस आपको रिमेंबर रखनी है, अब आगे हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एवरेज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। अभी हमने लास्ट में देखा जो एक इक्वेशन मैंने लिखी थी, उसमें क्या था, फ्रॉम दैट इक्वेशन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ HX, ठीक है, लेकिन वो HX की वैल्यू आपको विद रिस्पेक्ट टू X वेरी करेगी, ठीक है। X जैसे आप इंक्रीज करोगे HX की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, मैंने आपको बताया, ठीक है, लास्ट क्लासेस में। तो हमें एक ऐसी वैल्यू निकालनी है सो दैट हम पूरी की पूरी प्लेट के लिए बोल सकें दिस इज द एवरेज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट इज H bar, ठीक है। ये एवरेज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं H bar से, ठीक है। तो इसके लिए निकालनी है, इस प्लेट के लिए, तो एवरेज निकालने का एक फंडा होता है, आपको कुछ चीज मतलब एवरेज हमेशा बेस्ड ऑन सर्टेन थिंग्स निकलता है। जैसे सपोज मैंने ये कहा कि मेरे को जो है सब्जेक्ट्स है मेरे, उनमें अलग अलग मार्क्स मुझे मिले, सपोज सॉम में 100 में से 70 मिला, टॉम में 100 में से 80 मिला, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें 100 100 मिला, तो मैं क्या करूंगा, एवरेज निकाल दूंगा। एवरेज का मतलब क्या होगा कि आप देखो, पकड़ लो कि हर सब्जेक्ट का 100 मतलब टोटल आप सम कर लो सब्जेक्ट्स के और टोटल आप इसके कर लो सम, फिर उसके बिहाफ पे आप निकाल सकते हो। तो मतलब क्या हुआ, ये एवरेज हमने निकाला बेस्ड ऑन टोटल मार्क्स,
टोटल मार्क्स हमारे कितने थे और कितने आए, उनके उनके हिसाब से हमने निकाल दी एवरेज। सिमिलरली यहाँ पे हमें अगर एच बार हमें एवरेज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट निकालना है तो कुछ ना कुछ बेस होगा ना, कैसे कैसे निकालना है वो? तो आपने कहा देखो ऐसा है कि अगर हम लोकल कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट निकालेंगे तो वो एच एक्स को हम क्या करें, एच एक्स को लेके जितनी भी हीट यहां से जाएगी, जितना भी हीट का कन्वेक्शन होगा वो हीट सेम होनी चाहिए जो इसके यहां पे निकालेंगे। जैसे देखो मैंने क्या किया, एक्स डिस्टेंस पे स्ट्रिप ले ली छोटी सी, थिकनेस इसकी dx है और विड्थ तो इसकी v है ही। ये एक प्लेट है जिसकी लेंथ l है, l मैंने लिखी नहीं है, लेंथ इज l, जैसे x इक्वल टू l बोल देते हैं यहां पे, इट इज x इक्वल टू 0 एंड द विड्थ ऑफ द प्लेट इज b। तो मैंने क्या किया, x डिस्टेंस पे एक स्ट्रिप ली छोटी सी जिसकी थिकनेस हमारी dx है और विड्थ हमारी b तो है ही। अब मैंने देखा इस छोटी सी स्ट्रिप से कितना हीट कन्वेक्ट हो रहा है। अब x पे हमें पता है x पे जो लोकल कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट वो hx है, ठीक है, ये हमें पता है। तो dq की वैल्यू मैंने यहां रख दी, dq की वैल्यू आपको समझ पा रहे हो क्या किया मैंने, dq निकालने के लिए मैंने कुछ नहीं किया। देखो यहां पे अगर आपको ये छोटी सी स्ट्रिप से हीट ट्रांसफर जो होगा वो भी छोटा होगा, तो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर फ्रॉम दिस स्मॉल स्ट्रिप इज hx इंटू एरिया, एरिया कितना है b इंटू dx इंटू टेम्परेचर डिफरेंस, वॉल टेम्परेचर माइनस दिस इज टी इन्फिनिटी, ठीक है, ये है, ये स्मॉल स्ट्रिप से इतनी हीट मेरी जाएगी। अब मुझे अगर पूरी की पूरी प्लेट से हीट कितनी जाएगी वो निकालने तो क्या करूं, इंटीग्रेट करूं, तो कन्वेक्टेड हीट कन्वेक्टेड जो हमारी पूरी की पूरी प्लेट से होगी दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, ठीक है, और यहां से आप देखो इंटीग्रेशन ऑफ दिस एच एक्स बी डी एक्स इंटू टी डब्ल्यू माइनस टी इन्फिनिटी, और कहां से कहां तक करोगे आप, 0 टू l, x की वैल्यू 0 टू l, ठीक है, आई थिंक इतना। और आप क्या करो फिर ये कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर हीट जो ये जो आया है हमारे हीट की वैल्यू ये निकालो बेस्ड ऑन एवरेज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, मतलब एच बार से। तो एच बार से निकालोगे तो कितना होगा, एच बार इज डिफाइंड फॉर कंप्लीट प्लेट, तो एच बार इंटू कंप्लीट प्लेट का एरिया कितना है, एल इंटू बी, ठीक है, इंटू टेम्परेचर डिफरेंस सेम डी डब्ल्यू माइनस टी इन्फिनिटी। यहां से आप देखो बी से बी कट जाएगा, ठीक है, एंड टी ये से ये कट जाएगा, तो आपको मिलेगा जो एवरेज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एल इंटीग्रेशन 0 टू एल एच एक्स इंटू डी एक्स। बहुत सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, आपको क्या निकाल, एच एक्स का जो वेरिएशन है उसको यहां रखो, इंटीग्रेट करो 0 टू एल तक, डिवाइड करो एल से, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एच बार, ठीक है। ये एच हमने कैसे निकाला, मैंने आपको बताया था कि हर एवरेज किसी ना किसी बेस पे निकलता है, यहां हमने ये माना है कि भी आपने अगर छोटे छोटे हीट ट्रांसफर निकाल के जितना हुआ होगा टोटल हमारा हीट ट्रांसफर इसके हिसाब से भी उतना ही होना चाहिए, मतलब दिस एवरेज इज फाइंड आउट बेस्ड ऑन दी टोटल हीट ट्रांसफर, वैल्यू ऑफ टोटल हीट ट्रांसफर, ठीक है, आई थिंक बात समझोगे। अब देखो अब हमको ये पता है कि भी एच एक्स जो होता था, एच एक्स वॉज इक्वल वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स टू द पावर माइनस वन बाई टू, मतलब इसको हम लिखें तो एच एक्स इक्वल टू सी टाइम्स ऑफ एक्स टू द पावर माइनस वन बाई टू। अगर हम ये लिखें यहां पे और इसको यहां पे डाल देते हैं तो क्या मिलेगा, देखो एच बार इक्वल्स टू वन अपॉन एल इंटीग्रेशन जीरो टू एल एच एक्स सी इंटू एक्स टू द पावर माइनस वन बाई टू इंटू डी एक्स, ठीक है, सी को बाहर ले ले तो क्या हो जाएगा, सी अपॉन एल इंटीग्रेशन जीरो टू एल एक्स टू पावर वन बाई टू इंटू डी एक्स, सॉरी माइनस वन बाई टू इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखो क्या है, यहां पे अगर आपको ध्यान हो तो एच एक्स, मान लो एच एक्स हमारा ये है, तो अगर मैं एल पे निकालू, एच अगर एल पे निकालू तो क्या हो जाएगा, सी टाइम्स ऑफ एल टू दी पावर माइनस वन बाई टू। ये प्रूविंग है, अगर आप बस देख लो इसको पूरे स्टेप्स, रटने वटने नहीं है, कोई याद नहीं करना है, ठीक है, फाइनल रिजल्ट आएगा वही हमें मैटर करता है, लेकिन फिर भी देख लीजिए क्योंकि ऐसे लिख दूंगा फाइनल तो फिर फील नहीं आएगा। तो एच एल की वैल्यू हमारी इतनी हो जाती है, ठीक है, ओके। तो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं एक्स को, सी अपॉन एल हमारा यहां पे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स टू पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन डिवाइड बाई माइनस वन बाई टू प्लस वन, ठीक है, ये हो जाएगा जीरो टू एल, ठीक है। अगेन आप देखो इसको यहां पे लिखो तो एच बार की वैल्यू जो हमारी है वो कितनी होगी, सी अपॉन एल, सी अपॉन एल, यहां से सी की वैल्यू रखो तो आपको क्या मिल जाएगी,
एच एल बेस्ड ऑन लेंथ एल एच डिवाइड बाई एल टू द पावर माइनस वन बाई टू और एक हमारा एल और था, ठीक है, ये आ जाएगी। सी की वैल्यू मैंने जस्ट यहां से उठा के इस पे रख दी, इंटू एक्स टू द पावर वन बाई टू डिवाइड बाई वन बाई टू जीरो टू एल। तो यहां से आप देखो कितना आ जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा टू और ये देखो पहले ये कितना हो जाएगा एल टू द पावर वन बाई टू, तो ये वन बाई टू ऊपर पहुंचेगा तो टू हो गया इंटू एच एल हो गया डिवाइड बाई वन बाई टू और ये एल टू द पावर वन बाई टू नीचे आया एल टू द पावर वन बाई टू ऊपर भी आ गया एल टू द पावर वन बाई टू, ये कैंसिल आउट हो गया। तो मतलब क्या हुआ टू टाइम्स ऑफ एच एट एक्स इक्वल टू एल, ये आ गया। तो आपका एवरेज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट जो होगा दैट विल बी यहां से लिख सकते हो एच बार एवरेज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एच एट एक्स इक्वल टू एल। मतलब क्या हुआ आप क्या करो x इक्वल टू एट ट्रेलिंग एज ऑफ प्लेट पे आप एच एक्स की वैल्यू निकाल दो, ठीक है, वो उसका ट्वाइस कर दो आपको मिल जाएगा एवरेज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, ठीक है। ये एक्चुअली एक दो बार ये क्वेश्चन ही पूछा गया है, वो लोग क्या देंगे वो आपको ट्रेलिंग एज पे एच की वैल्यू दे देते हैं और आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द एवरेज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, तो आपको सिंपल सा ट्वाइस करना है, दो से मल्टीप्लाई करना है इसको, ठीक है, सिंगल स्टेप में आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो अब इसमें हम लोग थोड़ा और स्टडी करते हैं और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो आपने देखा होगा अभी हमने लोकल नसल नंबर निकालने के लिए एक इक्वेशन लिखी थी एच एक्स इंटू एक्स डिवाइड बाई के इक्वल टू 0.332 इंटू रेनॉल्ड नंबर टू द पावर 1 बाई 2 इंटू प्रांड्रल टू द पावर 1 बाई 3, ये लोकल रेनॉल्ड नंबर होगा अगर लोकल निकालना है। तो हम क्या करते हैं ऐसा करते हैं नसल नंबर बेस्ड ऑन एल निकाल देते हैं, ये तो एक हमारा बेस्ड ऑन एक्स है, एक्स मतलब कुछ भी हो सकता है, हम यहां रखते हैं एक्स इक्वल टू एल। तो आप देखोगे क्या एच बेस्ड ऑन एल मतलब यहां पे लिखूंगा एक्स इक्वल टू एल पे इंटू एल डिवाइड बाई के इक्वल टू कितना होगा 0.332 इंटू रेनॉल्ड नंबर बेस्ड ऑन लेंथ एल 1 बाई 2 प्रांड्रल नंबर तो कॉन्स्टेंट ही रहता है 1/3। अब देखो क्या अगर ये एच एक्स इक्वल टू एल यहां पे है अगर दोनों तरफ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 2 से इधर भी कर दिया इंटू 2 इधर भी कर दिया तो आप देखोगे 2 इंटू एच एट एक्स इक्वल टू एल ये बन जाएगा हमारा एच बार, ठीक है एच बार, तो ये हो जाएगा एच बार इंटू एल डिवाइड बाई के इक्वल टू ये बन जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करो 0.664 इंटू रेनॉल्ड नंबर बेस्ड ऑन लेंथ एल इक्वल टू 1/2 इंटू प्रांड्रल नंबर टू दी पावर 1/3 एंड दिस इज कॉल्ड एज एवरेज नसल नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आपको लोकल एच निकालना है तो कौन सी लगाएंगे ये वाली लगाओगे और उसमें रेनॉल्ड नंबर भी बेस्ड ऑन एक्स लिखोगे, ये भी ध्यान दे रहा है मोस्टली मिस्टेक्स यहां पर जाती है हम लोग बेस्ड ऑन एल रख देते हैं। सिमिलरली अगर आपको एवरेज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट निकालना है तो क्या करोगे बस यहां इस ये फैक्टर में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और दूसरा रेनॉल्ड नंबर हमारा बेस्ड ऑन लेंथ हो जाएगा, दैट्स इट। यहां से आप एवरेज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे ही आपको ये एच बार मिला और आपका ऑब्जेक्टिव था हीट ट्रांसफर रेट निकालना कन्वेक्शन के थ्रू आप एच बार इंटू एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट इंटू TW माइनस टी इंफिनिटी ऐसे करके यू कैन फाइंड आउट द कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। और मैंने आपको बताया था कि जिस टाइम पे हम ये एच बार निकाल देंगे स्टार्टिंग से मैं चिल्ला रहा हूं ये बात को कि कन्वेक्शन चैप्टर में बस हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहता है वी हैव टू फाइंड आउट द कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। तो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट हम निकाल चुके हैं, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर दैट, और जैसे ही हमें यह मिल गया वैसे ही आप बोल दो हमारा ऑब्जेक्टिव सॉल्व हुआ, ये चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए और ये खत्म हो भी गया है, लेकिन किसके लिए फोर्स कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर ओवर द प्लेट। तो फोर्स कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर ओवर द प्लेट टॉपिक इज फिनिश्ड। तो पूरे के पूरे टॉपिक में हमने क्या किया सिर्फ और सिर्फ एच बार निकाल पाए, ये इक्वेशन हम लेके आ पाए और इसको हम समझ पाए, दैट्स इट। देखिए ये वाला टॉपिक जो है हमारा अभी जो हमारा फ्लो चल रहा था उसके स्ट्रीमलाइन नहीं है, इट इज ऑफ स्ट्रीमलाइन दैट फ्लो, ये एक अलग टॉपिक है, थोड़ा स्पेशल टॉपिक है, दो चार बार क्वेश्चन पूछा गया है तो हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं इसलिए इसको कवर करेंगे। यहां हम देखेंगे दिस इज एनालॉजी बिटवीन फ्लूइड फ्रिक्शन एंड द हीट ट्रांसफर, ठीक है, गिवन बाय रेनॉल्ड एंड कॉलबर्न। देखो इसमें क्या है इन्होंने ये कहा कि आप जो है
प्लेट पे फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब कोई फ्लो नहीं हो रहा है प्लेट के ऊपर, फिर भी आप हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट निकाल सकते हो। कैसे? इफ यू नो द लोकल स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट और सीएफएक्स। अब ये लोकल स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है? देखो, सबने डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर सुना होगा, डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर सुना होगा। तो डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर क्या होता है? इट इज अ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट फॉर द फ्लो थ्रू पाइप। सिमिलरली जब फ्लो ओवर द प्लेट होता है, जब फ्लो ओवर द प्लेट होता है तो वहां भी एक फ्रिक्शन फैक्टर एग्जिस्ट करता है, जिसे हम बोलते हैं लोकल स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट और सीएफएक्स। तो अगर सीएफएक्स की वैल्यू हमारे लिए नोन है, तो हम बिना एक्चुअल हीट ट्रांसफर किए वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एचएक्स और लोकल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। सो देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। देखो, फ्लूइड मैकेनिक्स में हमें वॉल शियर स्ट्रेस मिलता है सीएफएक्स इनटू रो वी इंफिनिटी स्क्वायर बाय 2। ठीक है, ये हमारा वॉल शियर स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला होता है इफ फ्लो ओवर द प्लेट के लिए। ठीक है, CFX is the local skin friction coefficient. This is we can write here local skin friction coefficient. Local skin friction coefficient, इसकी वैल्यू भी mostly अगर किसी ने देखा हो तो 0.004, 0.003 ऐसे या 0.005 भी हो सकती है। ठीक है, इस टाइप की वैल्यू इसकी रहती है। तो एक हमने आपने क्या किया, फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्रॉम फ्लूइड मैकेनिक्स से आपने जो है इसका क्या निकाल दिया, वॉल शियर स्ट्रेस निकाल दी। सिमिलरली आपने हमने एक और देखी थी इक्वेशन यू बाई यू इन्फिनिटी इक्वल टू 3/2 वाई अपॉन डेल्टा माइनस 1/2 वाई अपॉन डेल्टा का होल क्यूब, ये इक्वेशन भी थी। और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से हमें यह भी पता है कि वॉल शियर स्ट्रेस क्या होती है, म्यू टाइम्स ऑफ डीयू बाई डीवाई, मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट एट वाई इक्वल टू 0, यहां से भी निकाल सकते हो। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट आप यहां से निकालो, इनफैक्ट हमने निकाला हुआ भी है। क्या होता है, डिफरेंशिएट कर दो इसको तो हमें मिलेगा 3/2 इनटू यू इंफिनिटी बाय डेल्टा, बाकी सारा जीरो हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 3u इंफिनिटी बाय 2 डेल्टा। आई थिंक हाँ इतना ही होना चाहिए। अब देखो क्या है, डेल्टा का मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, डेल्टा का लिखा फॉर्मूला क्या था, 4.64 × x / √rex, वो यहां रखो, इसको एक्सप्लेन करो। फिर क्या, वॉल शियर स्ट्रेस को एक इक्वेशन आपके पास ये है और एक इक्वेशन आपके पास ये है, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को, भाई वॉल शियर स्ट्रेस यही इक्वेशन है, तो कंपेयर करने पे हमें मिलेगा सीएफएक्स की वैल्यू, यहां से सीएफएक्स बाय 2 इक्वल टू 0.332 इंटू रेनॉल्ड नंबर टू द पावर -1/2। ठीक है, यस -1/2, ये हमें इक्वेशन मिल जाती है। This is local skin friction coefficient और इनवॉल्व नंबर में रिलेशनशिप मिल जाता है। आई थिंक कोई डाउट इसमें रहा नहीं होगा। अब एक काम करते हैं, देखो अगर हम नसल नंबर की बात करें, लोकल नसल नंबर, तो मैंने लिखवाया था क्या होता था, 0.332 इंटू रेनॉल्ड नंबर टू दी पावर 1/2 इंटू प्रांड्रल नंबर टू दी पावर 1/3। ये देखो ये हमारा 1/2 है, यहां पे -1/2 आ रहा है। तो एक काम करते हैं, -1/2 से मल्टीप्लाई कर दो और -1/2 से डिवाइड कर दो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। फिर आप क्या करो, ये और ये इसको यूज करके यहां पे CFX by 2 रख दो। तो CFX by 2, भाई ये हम कहां से लेके आए, ये पूरा का पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स से लेके आए, और हमने जो HMT से इक्वेशन निकाली थी इन दोनों फील्ड को मर्ज कर रहे हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड HMT वाले दोनों फील्ड को हमने मर्ज किया यहां पे। मर्ज किया है तो पक्की बात है कुछ ना कुछ एक नया हमारा डायमेंशनलेस नंबर एक आएगा, मैं आपको बताऊंगा क्या है वो नंबर। यहां पे लिखा हमने, फिर देखो रेनॉल्ड नंबर को ऐसा पढ़ सकते हो कि ऊपर ले गया तो रेनॉल्ड नंबर इनटू रेनॉल्ड नंबर हो जाएगा इनटू प्रांड्रल नंबर टू द पावर 1/3। ठीक है, ये बन गया हमारा, यहां पे है नसल नंबर। अब एक काम करते हैं, रेनॉल्ड नंबर से इसको डिवाइड कर दें, सॉरी रेनॉल्ड नंबर इंटू प्रांड्रल नंबर से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, रेनॉल्ड नंबर इंटू प्रांड्रल नंबर, ये कट जाएगा यहां से, प्रांड्रल नंबर जो बचेगा दैट इज इक्वल टू CFX by 2 ठीक है।
अब देखो डायमेंशनलेस ये भी है, डायमेंशनलेस ये भी है, तो पक्की बात है पैकेट नंबर भी क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा, ठीक है ओके। और ये जो नंबर बना नसर नंबर डिवाइड बाय रेनॉल्ड नंबर इनटू टांग नंबर, दिस इज कॉल्ड एज स्टैंटन नंबर, स्टैंटन स्टैंटन नंबर, ठीक है। दो फील्ड को हमने मिलाया था, जो फ्लूइड मैकेनिक्स एंड एचएमटी वाली फील्ड को मिलाया, तो एक नंबर में एक्स्ट्रा मिलना ही था, दैट इज द स्टैंटन नंबर, सॉरी स्टैंटन नंबर, ठीक है। नसेल्ट डिवाइड बाय रेनॉल्ड टू प्रांडल रिप्रेजेंट एसटी, क्योंकि ये लोकल था तो एसटी, ये स्टैंटन नंबर भी हमारा लोकल होगा। स्टैंटन नंबर इक्वल्स टू सीएफएक्स बाय 2 इनटू प्रांडल नंबर टू द पावर माइनस 2 बाय 3। देखो मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं आपको समझ में आए, आई थिंक समझ भी सकते हो, पूरा का पूरा स्टेप हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी कहानी आ गई कि यहां से आप यू कैन लाइक यू कैन प्रोसीड और यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एच एक्स, क्योंकि एच एक्स हमारे स्टैंडर्ड नंबर में छुपा हुआ है और नसल नंबर में छुपा हुआ है। तो ये एक्स्ट्रा था टॉपिक जो हमारे स्ट्रीम लाइन की जो हमारा फ्लो था जो चल रहा था अभी फ्लो उससे अलग था थोड़ा, लेकिन पूछा गया है। तो अब ये यूज कब करना है, ये वाली हम इक्वेशन यूज कब करेंगे, जब आपको क्वेश्चन में लोकल स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट मिल जाए, मतलब सीएफएक्स की वैल्यू अगर आपको दी हो, तुरंत आप इस डायरेक्शन में सोचो कि हमें ये वाला इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सीएफएक्स सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड नंबर में आ रहा है, इधर ये वाला इक्वेशन में आ रहा है। एक और चीज, वन मोर थिंग, ये जो स्टैंडर्ड नंबर है इसको आप निकालोगे ना, इसको मतलब स्टैंडर्ड नंबर निकालोगे, लेट मी रिपीट, ये जो स्टैंडर्ड नंबर है नसल लोकल नसल डिवाइड बाय लोकल रेनॉल्ड इनटू प्रांडल नंबर, इन सब की वैल्यू आप रखो, नसल के रखो, रेनॉल्ड के रखो, प्रांडल के रखो, देन आपको यू विल गेट एचएक्स डिवाइड बाय रो वी इनफिनिटी सीपी। ये कुछ याद नहीं करना है, बस आपको ये रिमेंबर रखना है, सीपी ये बन जाएगा हमारा। और जब फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बकिंगम पाई के बारे में, तो उसमें हमें मिले थे पाई टर्म्स, मिले थे तीन, पाई वन, पाई टू, पाई थ्री। पाई वन और पाई थ्री को हमने यूज कर लिया था, पाई टू को यूज नहीं कर पाए थे, मैंने आपको उस टाइम पे बताया था, पाई टू के यूज में आपको बताऊंगा। तो ये जो नंबर है ना, जो उस टाइम पे हमने पाई टू निकाला था, उसके जस्ट रिवर्स है, मतलब दिस इज वन अपॉन पाई टू। पाई टू क्या है, जो हमने फर्स्ट क्लास में जो है प्रूव किया था, दैट इज पाई टू। तो ये सारे के सारे एचएमटी में कोई भी नंबर अलग नहीं है, जो तीन पाई टर्म्स हमने निकाले हैं उन्हीं के कॉम्बिनेशन से ये सारे के सारे नंबर हमें मिल रहे हैं। क्वेश्चन पूछा गया हमसे, देखिए, एयर फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट ऑफ अ एट अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, जिस वेलोसिटी से फ्लो कर रही है वो हमें बता दिया, और लोकल स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बता दिया 0.004, बस यही हमें चाहिए। जैसे ही आपको देखा कि लोकल स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया है, तो हीट ट्रांसफर को निकालने के लिए पूछा भी गया, लोकल कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड नंबर का यूज़ करेंगे। लोकल स्टैंडर्ड नंबर इक्वल्स टू सीएफएक्स डिवाइड बाई 2 इंटू प्रांडल नंबर टू द पावर माइनस 2 बाई 3, ठीक है। इसको यूज करके वील फाइंड आउट द लोकल कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशियंट। अब स्टैंडर्ड नंबर देख लो, एक प्रांडल नंबर को इधर भेज देते हैं, तो लोकल स्टैंडर्ड नंबर इंटू प्रांडल नंबर टू द पावर 2 बाई 3 हो जाएगा, इक्वल टू सी एफ एक्स बाई 2। स्टैंडर्ड नंबर क्या, लोकल नसल नंबर इंटू लोकल रेनॉल्ड नंबर इंटू प्रांडल नंबर, ये प्रांडल नंबर टू द पावर 2 बाई 3 इक्वल टू सी एफ एक्स बाई 2। नसल नंबर क्या होता है, एच एक्स इंटू एक्स डिवाइड बाई के, प्रांडल नंबर एक नीचे है इधर आएगा, तो कितना हो जाएगा ये, प्रांडल नंबर टू द पावर माइनस 1/3 डिवाइड बाई रेनॉल्ड नंबर कितना होता है, वी लोकल रेनॉल्ड नंबर है बी एक्स रो डिवाइड बाई म्यू, बस और कुछ नहीं है ना, कोई प्रांडल को तो ऊपर ले जा चुके हैं हम लोग। तो अब देखिए, ये सी एफ एक्स या 0.004 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे सारी वैल्यू आप रखिए, एच एक्स निकालना है, ठीक है, एक्स से एक्स कट जाएगा, ठीक है, के पता है, रो पता है, म्यू पता है, एवरीथिंग इज गिवन हेयर, पुट द वैल्यू एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एच एक्स एज 116.9 वॉट पर मीटर केल्विन। ध्यान देना है, ये सी पी की वैल्यू हमारी किलो जूल में दी है, तो मेक श्योर डोंट फॉरगेट टू कन्वर्ट दिस इंटू द जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दिस इज आस्क्ड इन 2011, द रेशियोज ऑफ
लेमिनार HBL टू द TBL फॉर द फ्लो ऑफ टू फ्लूड P एंड Q ऑन अ फ्लैट प्लेट आर दिस वन. दो फ्लो है हमारे, एक फ्लो P है और एक फ्लो Q है. मैं ऐसे लिख देता हूँ. प्रॉपर्टीज आर गिवन फॉर फ्लो P एंड Q. इसमें भाई डेल्टा अपॉन डेल्टा T फॉर P इज़ गिवन 1/2 एंड डेल्टा अपॉन डेल्टा T फॉर Q इज़ गिवन 2. रेनॉल्ड नंबर बेस्ड ऑन प्लेट लेंथ, रेनॉल्ड नंबर बेस्ड ऑन प्लेट लेंथ इक्वल्स इज गिवन 10^4 एंड दिस इज फॉर बोथ, दोनों के लिए सेम है. प्लांडर नंबर एंड नसल नंबर फॉर पी, पी के लिए दिए हुए हैं, क्यू के लिए नहीं, सिर्फ पी के लिए दिए हुए हैं. तो प्लांडर नंबर 1/8 है एंड नसल नंबर जो है दैट इज 35 है. पूछा गया प्लांडर नंबर, प्लांडर नंबर फॉर फ्लो क्यू एंड नसल नंबर फॉर फ्लो क्यू, प्लांडर्ड एंड नसल नंबर फॉर फ्लो क्यू हमसे पूछा गया. देखो प्लांडर्ड नंबर पूछा गया कहाँ पे मिलता है, डेल्टा अपॉन डेल्टा टी आपको दिया गया है तो आपको समझ जाना चाहिए कहाँ पे मिलेगा. ये हमने इक्वेशन लिखी थी डेल्टा टी अपॉन डेल्टा इक्वल्स टू 1/1.026 इंटू प्लांडर्ड नंबर टू द पावर -1/3, ये इक्वेशन लिखी थी. तो काम करते हैं, ये इक्वेशन वन लिख देते हैं फॉर पी, ठीक है. ये डेटा हम पी के रखेंगे. सिमिलरली लिखो डेल्टा अपॉन डेल्टा, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा फॉर क्यू इक्वल्स टू 1/1.026 इंटू प्लांडर्ड नंबर टू द पावर -1/3 फॉर क्यू. दिस इज इक्वेशन टू, ठीक है. इन दोनों को डिवाइड करेंगे हम लोग तो ये तो कैंसिल है, ये तो जो है कॉन्स्टेंट है, कैंसिल हो जाएंगे. देन ये डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, सॉरी डेल्टा टी अपॉन डेल्टा. अब देखिए यहाँ पे डेल्टा अपॉन डेल्टा टी दिया हुआ, मतलब उल्टा दिया हुआ है इसका. तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 का 2 हो जाएगा डिवाइड बाय क्यू का कितना हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा. प्लांडर्ड नंबर टू द पावर, सॉरी प्लांडर्ड नंबर ऑफ पी डिवाइड बाय प्लांडर्ड नंबर ऑफ क्यू टू द पावर -1/3, ठीक है. माइनस अंदर लेके जाते हैं तो उल्टा हो जाएगा. प्लांडर्ड नंबर ऑफ क्यू डिवाइड बाय प्लांडर्ड नंबर ऑफ पी टू द पावर 1/3, ठीक है. इधर ये कितना हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा. अब देखते हैं क्या, इधर ही कर लेते हैं इसको, यहाँ पे लिखते हैं ना. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि प्लांडर्ड नंबर ऑफ पी हमें दिया हुआ है, प्लांडर्ड नंबर ऑफ पी हमें दिया हुआ है कितना है 1/8. 1/8 रखेंगे नीचे, ये ऊपर पहुँच जाएगा 8, तो कितना हो जाएगा 8 का 1/3 है, 2 बाहर आ जाएगा. तो 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा प्लांडर्ड नंबर ऑफ क्यू टू द पावर 1/3 इंटू ये 2 आ जाएगा बाहर, ठीक है. 2 से 2 काट दो, 2 बन गया है. तो पी आर प्लांडर्ड नंबर फॉर क्यू 1/3 इक्वल्स टू 2 और प्लांडर्ड नंबर ऑफ क्यू हमारा कितना मिल गया 8. अब नेक्स्ट देखो क्या पूछा है हमसे. प्लांडर्ड नंबर निकाल दिया, नसल नंबर पूछा है. नसल नंबर के लिए इक्वेशन लिख लो. जैसे नसल नंबर हमें बताया भी गया है, नसल नंबर फॉर पी हमें बताया, तो हम नसल नंबर की इक्वेशन लिख देते हैं. नसल नंबर क्या होता है, एवरेज नसल नंबर लिखता हूँ मैं, 0.664 इंटू रेनॉल्ड नंबर टू द पावर 1/2 इंटू प्लांडर्ड नंबर टू द पावर 1/3. पी के लिए लिखो इक्वेशन, देन अगेन सेम इक्वेशन क्यू के लिए, दोनों को डिवाइड करो, ठीक है. तो हम मिलेगा नसल नंबर फॉर पी डिवाइड बाई नसल नंबर, दिस इज एवरेज नसल नंबर फॉर क्यू इक्वल्स टू कितना हो रहा है रेनॉल्ड नंबर टू द पावर 2 फॉर पी इंटू प्लांडर्ड नंबर फॉर पी 1/3 डिवाइड बाई रेनॉल्ड नंबर फॉर क्यू टू द पावर 1/2 इंटू प्लांडर्ड नंबर फॉर क्यू टू द पावर 1/3. तो रेनॉल्ड नंबर पी के लिए कितना दिया हुआ है, रेनॉल्ड नंबर दिया है 10^4 फॉर बोथ, तो मतलब ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, दोनों के लिए दिया है सेम. तो नसल नंबर का रेशियो प्लांडर्ड नंबर के रेशियो इक्वल हो गया. तो आप देखो प्लांडर्ड नंबर का जो रेशियो है, यहाँ से देखो ये मिल सकता है आपको प्लांडर्ड नंबर का रेशियो, ये 4 है दिया हुआ ना, तो बस पी वाई क्यू कर लेते हैं, मतलब प्लांडर्ड नंबर फॉर पी प्लांडर्ड नंबर फॉर क्यू टू द पावर 1/3 निकालना, तो 1/4 हो जाएगा. तो यहाँ 1/4 रख दो, 1/4. अब नसल नंबर फॉर पी हमें दिया हुआ है, नसल नंबर फॉर पी इज 35, तो नसल नंबर फॉर पी क्यू कितना हो जाएगा,
35 × 4 140. नंबर फॉर क्यू इज 140. ठीक है ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ते रहिए ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं ठीक है. बाय बाय, टेक केयर.